हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेड इजी में। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हेयर के बारे में। हेयर इज अ सिंपल स्ट्रक्चर दैट इज मेड ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स कॉल्ड केराटिन, विच इज आल्सो द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फिंगर एंड टोनेल्स। मतलब कि जो हेयर है वह केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं जो नेल्स के अंदर भी देखने को मिलता है। हेयर्स एक्ट एज अ बैरियर टू फॉरेन पार्टिकल्स। हेयर बैरियर की तरह भी एक्ट करता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अपियरेंस एंड क्रिएट्स जेंडर आइडेंटिटी। ह्यूमन हेयर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट हेयर रूट विच एग्जिट्स बिलो द एपिडर्मिस, मतलब कि जो एपिडर्मिस के नीचे है। सेकंड हेयर शाफ्ट लोकेटेड अबव द एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस के ऊपर है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हेयर रूट में क्या होता है। हेयर रूट में हम देखेंगे हेयर फॉलिकल। The living part of the hair. The hair follicle is the sac or tube that surrounds the hair root and extended into the dermis. मतलब कि जो हेयर फॉलिकल है वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेयर रूट के आजू बाजू प्रेजेंट होता है। The follicles is surrounded by an inner and outer sheath that protects and molds the growing hair shaft. The bottom part of the follicles enlarge into an area of activity growing cell. This is called hair bulb. मतलब कि हेयर फॉलिकल में नीचे की साइड हेयर बल्ब नामक स्ट्रक्चर होता है जिस एरिया में सेल ग्रो होती रहती है। उसमें हम देखेंगे डर्मल पेपिला, स्मॉल कॉन शेपर्ड एलिवेशन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल, कंपोजिड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड हाउसेस नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स दैट नॉरिश द जर्मिनल मैट्रिक्स। मतलब कि वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से जर्मिनल मैट्रिक्स को न्यूट्रिशन मिल पाता है। हेयर इज फॉर्मेड बाय सेल इन द जर्मिनल मैट्रिक्स विच अंडरगो माइटोसिस और सेल डिवीजन। मतलब कि जो जर्मिनल मैट्रिक्स में सेल प्रेजेंट होती है उनके माइटोसिस और सेल डिवीजन के कारण ही हेयर फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे मेलेनोसाइट सेल्स। मेलेनोसाइट सेल्स आर लोकेटेड इन द जर्मिनल मैट्रिक्स एंड दे प्रोड्यूस द पिगमेंट दैट गिव्स हेयर इट्स कलर। मेलेनोसाइट सेल जो जर्मिनल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं वो हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ वी सी मसल एरेक्टर पिली मसल्स। इनवॉलेंटरी मसल्स इन द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल, द मसल्स इज सेंसिटिव। वेन इट कॉन्ट्रैक्ट वी गेट गूस बम्प्स। मतलब कि जो रेड कलर में स्ट्रक्चर देख रहा है वो है इरेक्टर पिली मसल्स। ये मसल्स सेंसिटिव होती है, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने पर वी गेट गूस बम्प। नाउ वी सी सेबेसियस ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड इन द स्किन दैट आर कनेक्टेड टू द हेयर फॉलिकल सीक्रेट्स सेबम फैटी ऑयल सब्सटेंसेस। नाउ वी सी अपर साइड ऑफ एपिडर्मिस, मतलब कि हेयर शाफ्ट। इन हेयर शाफ्ट वी सी लेयर्स ऑफ हेयर। फर्स्ट लेयर
क्यूटिकल, क्यूटिकल इज अ आफ्टर मोस्ट लेयर ऑफ हेयर, सबसे बाहर वाली लेयर होती है क्यूटिकल। कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ओवरलैपिंग लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट स्केल लाइक सेल्स, प्रोटेक्ट्स इनर स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, क्रिएट्स शाइन एंड स्मूथनेस। नाउ वी सी सेकंड लेयर, कॉर्टेक्स, मिडल लेयर ऑफ द हेयर, जो बीच वाली लेयर होती है। 90% ऑफ टोटल हेयर वेट कम्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स। इलास्टिसिटी एंड कलर आर द रिजल्ट ऑफ प्रोटीन इन द कॉर्टेक्स। नाउ वी सी थर्ड लेयर, मेड्यूला। मेड्यूला इज अ इनरमोस्ट लेयर ऑफ हेयर, सबसे अंदर वाली लेयर। जनरली ओनली थिक कोर्स हेयर कंटेन अ मेड्यूला, मतलब कि कुछ ही हेयर के अंदर ये लेयर देखने को मिलती है। सो यह था स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, हेयर स्ट्रक्चर। प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।